2016 में ना इतना मतलब साफ साफ नहीं था कि मेरे को एक्चुअली करना क्या है. मेरे को घर वालों ने मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों दिलाए हुए थे, तो मेरे को ये था कहीं भी हो जाए, मतलब वैसे तो डॉक्टर बनना था, पर एक होता है ना प्रेशर होता है कि कहीं भी अच्छा हो जाए वहीं ले लेना है, तो वो था. और फिर उस टाइम पे ना घर वालों का जो सोचने का तरीका था वो थोड़ा डिफरेंट था. लेकिन उसके बाद जब मेरे भाई का एडमिशन हुआ तो उनका एकदम सोचने का तरीका बदल गया. मतलब उसने जब रशिया में एडमिशन लिया उनको लगा कि सेफ प्लेस है, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. तो अब उस वजह से शायद मेरा जो हुआ है. मेरा नाम आभा शर्मा है, मैं पलवल से हूँ और मैं मारी स्टेट यूनिवर्सिटी में MBBS के लिए जा रही हूँ रशिया. MBBS लाइक सबका होता है कि हमें अच्छा डॉक्टर बनना है, तो मेरे को डॉक्टर ही बनना था. तो लेकिन घर वालों ने कहा कि भाई चलो MBBS में नहीं हुआ, BHMS में हो गया, वहाँ पे कर लो, डॉक्टर तो डॉक्टर होते हैं. लेकिन वहाँ पे ऐसे सेटिस्फेक्शन नहीं था, तो फिर आई डिसाइडेड नहीं अब मेरे को MBBS ही करना है. तो फिर वो नीट अटेम्प्ट किया. अब मेरे को ये था कि इतने टाइम बाद क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, लेकिन वो हुआ. तो फिर आई डिसाइडेड नहीं अब मेरे को MBBS ही करना है. माई फादर वॉज ठीक है, जो तुम्हें लगता है करो. मेरे को सबसे ज़्यादा डर था मेरे ग्रैंडफादर का. उनको होता है ना कि हम गांव में पले बड़े होते हैं, उनको होता है कि नहीं हमारी बच्ची है बड़ी हो रही है, और शादियां वादियां को बहुत होते हैं. तो फिर लेकिन उन्होंने डिसाइड किया, मतलब मैंने उनको बताया कि मैं ये करना चाहती हूँ, एंड ही सेड कि ठीक है तो खुश है. मैंने कहा हाँ मेरे को करना है, मैं खुश हूँ. तो उन्होंने कहा ठीक है कर ले दो तेरे लोगों के लिए. तो वो बहुत ही सरप्राइजिंग था और बहुत खुशी भी, वेरी एक्साइटिंग भी है, थोड़ा डर भी होता है कि बाहर पता नहीं कैसे क्या होगा, क्योंकि मेरा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसमें फ्रेंड्स टीचर्स एंड एनवायरनमेंट मतलब बहुत डिफरेंट था. मेरे एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हुई हैं. तो वही सब एक्साइटमेंट भी है, डर भी है, पता नहीं लोग कैसे मिलेंगे, क्या एनवायरनमेंट होगा, वो सब कुछ. ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी अच्छी थी, पढ़ाई बहुत अच्छी थी, मतलब इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा था, तरीके अच्छे थे. लाइक ऐसे लगता है ना, बच्चे कहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाई नहीं होती, समझ नहीं आता, लाइक मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ. वो काफ़ी अच्छा था, बल्कि इंडियन जो मैंने क्लासेस ज्वाइन करी उनसे बेटर था. जो नॉर्मल वर्ड्स या फिर नॉर्मल कन्वर्सेशंस वगैरह वो तो हमें पहले से टीच कर दी गई हैं, वर्ड सिखा दिए गए हैं, बल्कि टीचर्स हमारी तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो वेजिटेबल्स के नेम कहाँ से खरीदनी है, कपड़े कहाँ से खरीदने हैं, जनरल स्टोर्स वगैरह सबका वो हमें प्रोवाइड करती हैं पर्सनली ग्रुप. मेरा मैसेज ये है कि अगर आपको MBBS ही करनी है और अगर आप नीट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो डिटरमाइन करो सारी की सारी. मतलब ये नहीं है कि फिजिक्स केमिस्ट्री सब पढ़ो, नहीं, बायोलॉजी पे फोकस करो, कर लोगे, क्योंकि वो बहुत इजी होता है. तो मतलब हमें डिटर्मिनेशन चाहिए होता है, अगर हमें करना है तो हम कर लेते हैं. अगर आपको डॉक्टर बनना है तो अच्छे से कीजिए, प्रिपरेशन करेंगे हो जाते हैं. गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है तो आजकल अब्रॉड काफ़ी अच्छा ऑप्शन है. लाइक पहले ये था कि वहाँ पे नीट क्वालिफाई होना ज़रूरी नहीं था, और पहले होता था MCA के एग्ज़ाम सिर्फ फॉरनर्स के लिए होते थे, लेकिन अभी नीट क्वालिफाई करना ज़रूरी है. और नेक्स्ट का जो ऑप्शन है वो सबके लिए, अगर आप एम्स से कर रहे हो आपको नेक्स्ट देना है, आपको आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हो नेक्स्ट देना है, आप बाहर से कर रहे हो नेक्स्ट देना है, तो सबके लिए कॉमन हो चुका है. तो फिर अगर आपको करना है, किसी का ड्रीम है, क्वालिफाई हो चुका है, तो फिर गो फॉर एनी वेयर यू वॉन्ट, लाइक जो ऑप्शन बचे वहाँ पर जाइए.